जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में आईपीएल मैच शुरू होने से चंद घंटे पहले जयपुर पुलिस ने सटोरियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सटोरियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए हरमाड़ा पुलिस ने 3 सटोरियों को दबोचा है। उनके पास से 50 से भी ज़्यादा मोबाइल फ़ोन, एक लैपटॉप, एक एलईडी टीवी, 40,000 रुपये कैश एवं एक स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद हुई है। सटोरियों के पास से जो ब्रीफ केस नुमा कैश मिला है उसमें उन्होंने सट्टे की इंटरनेशनल लाइनें भी ले रखी थी। पुलिस तीनों से पूछताछ कर रही है। पुलिस के अनुसार सीकर रोड पर स्थित अनोखा गांव के बालाजी विहार कॉलोनी में सट्टे के बारे में सूचना मिली थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस की 2 टीमें कार्रवाई के लिए निकली। अचानक हुई कार्रवाई से सटोरियों में भगदड़ मची है, लेकिन उसके बाद भी 3 को अरेस्ट कर लिया गया। उनके पास से मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, टीवी बरामद हुए हैं। खुद के मोबाइल फ़ोन से भी कई कॉल और लोगों से बातचीत का ब्यौरा है। साथ ही जो डायरियां मिली हैं उनमें करीब 90 लाख रुपए से भी ज़्यादा का हिसाब मिला है। तीनों से पूछताछ जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरमाड़ा।